हमारे सांभर वड़े आप देख सकते हैं, ये देखिए वड़ा कितना क्रिस्पी बना है। कोई सा भी आप देख लीजिए, है क्रिस्पी। देखिए मैं इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ आपको, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये देख सकते हैं इसका फ्लफीपन, और बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी है। ऐसे वड़े अपने गेस्ट के सामने आप पेश करेंगे तो बस तारीफ ही तारीफ है पाएंगे। नारियल की चटनी, सांभर और वड़े, शानदार साउथ इंडियन फूड है ये। नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभांगी की किचन में। आज हमारी किचन में बनने जा रही है साउथ इंडियन डिश, बहुत ही फेमस है सांभर वड़ा। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। हम फटाफट से सांभर वड़ा बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए हमने अरहर की दाल ली है, आधा कटोरी अरहर की दाल है, तुअर की दाल कहते हैं इसको। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने इस दाल को 3 से 4 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लिया है। अब इसको हम कुकर में सांभर बनाने के लिए डालने वाले हैं। कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई से भी मिक्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैं इसमें वेजिटेबल्स लिए हैं बैंगन, लौकी, शिमला मिर्च, जो भी आपको पसंद हो। सीजनल गाजर आती है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और पानी। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे, और हमने गैस पे रख दिया है इसको फुल फ्लेम पे, 4 से 5 सीटी ले। आइए वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने उड़द की धुली हुई दाल ली है, 1 कटोरी दाल है, लगभग ये 200 ग्राम दाल है। इसको भिगाना है हमें पानी में, 4-5 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, और पानी के साथ इसको हम भिगो देंगे। मुझे वीडियो शूट करनी थी तो मैंने पहले से भिगोया। ये देख सकते हैं आप, उड़द की दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब इसको हम पानी निकाल कर इसका और मिक्सर में अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। पानी की क्वांटिटी नहीं डालनी है, बिना पानी के ही पीसने का ट्राई कीजिएगा। इसको ग्राइंडर में हम डाल लेते हैं। हमें इसमें पानी अलग से बिल्कुल नहीं डालना। दाल में जो पानी है, अगर आपका वो आ जाता है 1 या 2 चम्मच, तो बस उतना ही लेना है। थोड़ी थोड़ी करके पीसेंगे तो पीसने में इतनी परेशानी भी नहीं हो। भीगी हुई दाल का हमने इसमें अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है ये। इसको पीसने में हमें मुश्किल से 2 या 3 चम्मच, जो हमारे नॉर्मल दाल खाने वाले चम्मच होते हैं, हमने वही चम्मच इसका पानी लिया है, 2 या 3 चम्मच पानी ही लगा है। और इसका धीरे धीरे करके पल्सेटिंग मोड पर आप इसको पीस लेंगे। ये दाल को हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी खाना सोडा, मीठा सोडा, थोड़ा सा हरा धनिया। इसमें बिना पानी डाले हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना ज़्यादा ही आपका बढ़िया बनेगा, फूला हुआ बनेगा बड़ा। बड़ा बनाने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बताने जा रही हूँ आज मैं। आप अपनी इस उड़द की दाल के पेस्ट को जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अंदर से फ्लफी बनेगा और अंदर से सॉफ्ट बनेगा, बाहर से क्रिस्पी तो बनेगा ही बनेगा, मेरी गारंटी है। हमें ये दाल कितनी देर तक फेंटनी है, ये क्वेश्चन आएगा। हमें इस दाल को फ्लफी बनाना है फेंट कर। 1 कटोरी पानी ले लीजिए आप, थोड़ा सा अपनी इस पेस्ट में से थोड़ा सा आप इसके अंदर एक ड्रॉप डालकर देखो।
अगर ये दाल का पेस्ट इसके अंदर तैरना स्टार्ट कर दे, फ्लोट करना स्टार्ट कर दे, दैट मीन्स आपकी जो दाल का पेस्ट है, वड़े का पेस्ट है, बढ़िया सा फिट चुका है, इसको हमें और फेंटने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब इसके वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए वड़ा बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक इस टाइप की कटोरी ली है, उसको पॉलीथीन से कवर कर लिया है बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से इसको मैंने कवर कर रखा है पॉलीथीन से, और एक इस टाइप का हमने चमचा लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस पॉलीथीन पे पानी डालेंगे अच्छे से, बढ़िया इस पे थोड़ा सा बैटर रखेंगे इसका, और बीच में से एक छेद कर देंगे। अब इस चमचे को इसमें लगाएंगे और ये बड़ा इस पे लग देंगे, तेल गरम तेल में आप डाल दीजिए। इसी अब इस दूसरी प्रोसेस को हमें रिपीट करने के लिए दोबारा से अपनी कटोरी को पानी से धोना है, अपना हाथ भी गीला करना है, एक बैटर फिर से लीजिए और बीच में से छेद कर दीजिए थोड़ा सा, चमचे को भिगोइए, ये इस पे दूसरा पीस में। ऑयल के अंदर हम फ्राई कर रहे हैं, गैस अभी हमारी फुल है, इसी प्रकार बाकी के भी मैं ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल सावधानी से हमें ये काम करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इनको हमें मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जो आपके गोल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं बिल्कुल ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करो, गोल्डन ब्राउन करते ही उसको निकाल लो। ये इसकी खास ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो देखते जाइए। अभी मैंने इसको आधा आधा ही सेक कर निकाल लिया है, इसको अच्छे से और ज़्यादा देर तक नहीं सेका है, आप देख सकते हैं इनका कलर देखिए, अभी लाइट कलर है, इनको हम एक प्रोसेस ट्रिक करने के बाद फिर इनका कलर देखिएगा क्या खास ट्रिक आएगा इसमें, कलर बढ़िया। ये हमने बड़े तैयार कर लिए हैं तलकर, अब देखिए इसकी ट्रिक देखिएगा आप किस तरह से ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनने वाले हैं। मैं इसमें डालने जा रही हूँ पानी की छींटे, बिल्कुल अभी अभी कढ़ाई से निकाले हैं हमने ये, इसमें हम पानी की छींटे कुछ डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखिए जब आप छींटे डालेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म है तो ऑब्वियसली धुआं तो आएगा ही इसके अंदर। ये थोड़ा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, जब आप इसको सर्व करें तब इसको इंस्टेंटली उसी टाइम आप इसको फिर से डीप फ्राई कीजिए, ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं पीने वाले हैं, बिल्कुल सोक नहीं करेंगे, और बाहर से इतने शानदार क्रिस्पी बनेंगे ना, और अंदर से बिल्कुल मुलायम नरम बनने वाले हैं ये। इसको हम 10 मिनट ढककर रख देते हैं और उसके बाद सर्विंग के टाइम पे इसको हम फिर से हम फ्राई करेंगे। सांभर के लिए हमने देखिए दाल इसके अंदर डाल दी थी, दाल भी हमारी गल चुकी है, सारी सब्जियां भी आराम से गल चुकी हैं बढ़िया तरीके से, 4-5 सीटी ली थी मैंने इसको बॉईल करने के लिए। अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ, तड़का लगाने के लिए तड़के के लिए हम एक प्यूरी बना लेते हैं, 2 टमाटर हैं, 2 हरी मिर्च और 3-4 करी पत्ते, इसको हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं तो आप वो भी इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, मैं बिना प्याज लहसुन के ही बनाना सिखा रही हूँ। देखिए सांभर में तड़का लगाने जा रहे हैं हम, तेल मेरे तेल गर्म हो चुका है, सांभर का तड़का लगा लेते हैं। अब 1 छोटा चम्मच मैं इसमें राई डाल रही हूँ, 3-4 साबुत लाल मिर्च, 10-12 करी पत्ते की, और ये जो हमने टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ये भी ऐड कर रही हूँ। ये मेरा घर का होममेड सांभर मसाला है,
अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये मैं घर में ही बनाया है, इसको आप 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार इसका टेस्ट आता है, रेस्टोरेंट का टेस्ट भी इसके आगे फेल है। ये गुड़ है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लिया है मैंने ये गुड़, 1 छोटा चम्मच आप गुड़ ले सकते हैं। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी में मैं ऐड करने जा रही हूँ ये इमली के जो गूदा निकाल कर हम पानी निकाल लेते हैं, इसी में ऐड कर देती हूँ मैं। एक चम्मच नमक हम इसमें पहले से ही डाल चुके हैं, 1/2 चम्मच हल्दी और ऐड कर रही हूँ, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। आधा चम्मच नमक और ऐड करना है। थोड़ी सी हींग, हींग लास्ट में मैंने इसलिए डाली है क्योंकि हींग को आप लास्ट में डालते हैं तो इसका फ्लेवर काफी देर तक रहता है। इस मसाले को अच्छे से पकाकर हमने जो दाल बॉईल की थी सब्जियों के साथ उसमें ऐड कर देंगे। ये बढ़िया तरीके से पक चुका है। जब आप सांभर बनाएंगे घर के मसाले के साथ तो पूरे घर में सांभर की खुशबू आ जाएगी। अभी तड़का दाल में लगा भी नहीं है और मेरा पूरा घर सांभर की खुशबू से महक उठा है। इसको ऐड कर देते हैं। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें दाल में ऐड करने जा रहे हैं मसाला। देखिए तड़का भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, हमारी दाल बढ़िया तरीके से सांभर का रूप ले चुकी है। आइए इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। आप देख सकते हैं सांभर कितना बढ़िया लग रहा है। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। अब अपने जो हमारे ये वड़े हमने तैयार करके रखे थे इनको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इनको मैंने पानी की छींटे डाल के रखा था आपके सामने, अब मैं इनको सर्व करने के लिए रेडी कर लेती हूँ। मैं उसके लिए मैंने ये ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया, इसमें देखो धुआं उठ रहा है। अब इनको एक बार फिर से डीप फ्राई करेंगे, फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। पानी ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा क्योंकि पानी है इसमें थोड़ा थोड़ा तो छींटे भी उड़ सकती है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं, जब ये बबल आना शांत हो जाएंगे, झाग ये बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, हमारे ये वड़े जो हैं वो क्रिस्पी भी बनेंगे। और उसके बाद आप गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं, लग रहा है ना स्वादिष्ट, दूर से ही देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है तो खा के तो बस क्या कहने। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। गैस की फ्लेम कर देती हूँ बंद। आइए इसको सर्व करने का टाइम आ चुका है। ये देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी हैं, बहुत लाइट वेटेड है, कोई ऑयल इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है। मेरी ट्रिक के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसको सर्व कर लेते हैं।